Hello students, I am Bhavna Saxena from Lyall Public School. Today we are going to start exercise 6.7. In last meeting we studied about addition on number line. Today we will learn subtraction on number line. Okay, but first question is complete the following. हमें कुछ pictures दिए गए हैं, उनमें हमें शेडेड फिगर दी गई है, उनके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हमें फ्रैक्शन फिल करना है न्यूमरेटर। फर्स्ट ए क्वेश्चन में हमें क्या फिल करना है, ओनली न्यूमरेटर। बॉक्सेस दिए हुए हैं और उसमें हमें ये बताना है। फर्स्ट फिगर जो हमारी है उसमें क्या है, फोर कॉलम्स हैं। एक पिक्चर दी गई है, उसमें एक स्क्वायर है और उसमें कितनी शेडेड है, 1, 2, 3, 4, फोर पार्ट्स है और शेडेड कितनी है, 3। तो फ्रैक्शन में जो शेडेड पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर होता है। तो हमने बॉक्स में क्या फिल किया, 3। नेक्स्ट हमारा है, उसमें ओनली टू पार्ट्स शेडेड है, तो टू पार्ट्स शेडेड है तो हमारा न्यूमरेटर इसमें क्या हुआ, 2। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 3/4 - 2/4। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है और साथ में हमें क्या करना है, इसको शेडेड भी करना है। तो हमारा इसमें शेडेड क्या बचा, ओनली 1। हमारा बना 3/4 - 2/4, आंसर क्या आएगा, 1/4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हम पहले क्या करेंगे, पूरे बॉक्सेस को काउंट करेंगे, बिकॉज हमें इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ फिल करने हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमें तीन फिगर्स दी गई हैं। फर्स्ट में हमारा है 6 बॉक्सेस दिए हुए हैं, हम इसमें शेडेड है हमारे 4। तो हमारा क्या फ्रैक्शन बना, 4/6। जो शेडेड होते हैं वो हमारा होता है न्यूमरेटर एंड जो टोटल बॉक्सेस हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, डिनोमिनेटर। तो हमारा फ्रैक्शन बना 4/6। देन नेक्स्ट वाली फिगर में हमें डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 6 पार्ट्स हैं उसके, तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया 6। शेडेड पार्ट कितना है, 1 and 2। शेडेड पार्ट 2 है तो हमारा न्यूमरेटर क्या बना, 2। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, 4/6 - 2/6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे शेडिंग में। पहले हमने ये देखा, हमने इसमें डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमारे 6 बॉक्सेस हैं। अब कौन से हमारे शेडेड पार्ट बचा, 1, 2, तो हमारा न्यूमरेटर क्या बना, 2, एंड हमारा फ्रैक्शन क्या तैयार हुआ, 2/6। 4/6 - 2/6 = 2/6। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शन में, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूमरेटर है हमारा 4 - 2, आंसर इज 2/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम 5/8। हमारा क्वेश्चन है, हमें 3/8 फ्रॉम 5/8। अब हमारा बड़ा नंबर क्या है, इसमें से हम डिनोमिनेटर देखेंगे वो हमारा सेम है, हमारा न्यूमरेटर क्या है, 3 and 5, तो कौन सी डिजिट बड़ी है, 5। अब हम क्या करेंगे, 5/8 में से हमको 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। हम इसमें एज अ फ्रैक्शन इसको सॉल्व करेंगे और इसको शेडिंग करके भी सॉल्व करेंगे। 5/8 - 3/8, हमने 5 में से 3 माइनस किया, आया आंसर हमारा 2। तो क्या फ्रैक्शन बनाना हमारा, 2/8, और शेडिंग में करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। हमारा बड़ी फिगर क्या है, 5/8 है हमारी बड़ी फिगर, तो हमने टोटल 5 बॉक्सेस इसके तैयार किए। अब जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन है वो है 3/8। अब 3/8 जो है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो न्यूमरेटर है, जो ग्रेटर नंबर है उसके उतने हम बॉक्सेस बनाएंगे। ओके, हमने कितने बॉक्सेस तैयार किए, 5 बॉक्सेस। अब जो हमारा छोटा न्यूमरेटर है मींस 3, हम शेडेड कितने करेंगे, 3। अब हम क्या करेंगे, इनमें ऊपर का जो पार्ट है उनका हमने क्या लिखा, 5/8, और नीचे का जो पार्ट है उसमें हमने लिखा 3/8। अब हमारे जो
विदाउट शेडेड है बॉक्सेस वो कितने रह गए टू, तो हमारा आंसर क्या बना इसमें टू अपॉन एट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री. व्हाट इज 1 - 3/5. वन मीन्स क्या है इसमें होल नंबर. होल नंबर का मीनिंग क्या है 5/5. जितना हमारा डिनोमिनेटर हो उतना ही हमारा डिनोमिनेटर होगा, तो उसका मीनिंग होता है वन. ओके आई रिपीट इट, वन मीन्स क्या है होल नंबर. होल नंबर मीन्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर जो है वो सेम होगा, तो वो वन भी बोला जा सकता है. ओके अब हम क्या करेंगे इसको शेडेड पार्ट में और एज अ फ्रैक्शन हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हम इसको लेंगे शेडेड पार्ट में. हमारा 1 means 5/5, तो हम कितने बॉक्सेस बनाएंगे 5. एंड हमारी स्मॉलर फिगर क्या है 3/5, तो हम शेडिंग करेंगे 3 में. 3 हमारा न्यूमरेटर है, हमने उसको शेडेड कर दिया. हमारे खाली बॉक्सेस कितने रह गए 2, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 2/5. अब हम इसे एज अ फ्रैक्शन देखेंगे. 1 - 3/5 और 5/5 - 3/5, हम इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं. 1 का मीनिंग क्या है यहाँ पे होल नंबर, मींस जितना डिनोमिनेटर उतना ही न्यूमरेटर 5/5. ओके अब हम इसको माइनस करेंगे. डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को माइनस करेंगे. 5 - 3 आंसर इज 2. हमारा फ्रैक्शन बना 2/5. Now next question is question number 4. Subtract the following using a number line. अब हमें क्या करना है? Number line पर fraction को लेना है और subtract करना है. Question number A. 4/5 - 3/5. Number line के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक straight line draw करेंगे और जिसमें हम zero से start करेंगे और जो उसका whole number है means 1. वहाँ तक हम उसको लेकर जाएंगे. अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग किया 0 से और एंड किया 1 पे. अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5, तो हम 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 मींस 1, यहां तक हम उस पे मार्क कर देंगे. अब हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है 4/5. अब जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हम मार्क करेंगे 0 से लेके और 4/5 तक का. कहाँ मार्क करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे हम और 4/5 मींस ग्रेटर नंबर जो है वो हम लाइन के ऊपर मार्क करेंगे. नाउ स्मॉलर नंबर इज 3/5 मींस हमको 4/5 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है. अब हम नीचे आएंगे, हमने क्या मार्क किया था 4/5. अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में हम उल्टा चलते हैं मींस राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ. हम क्या करेंगे, हमें माइनस करना है 3/5. अब हम 4/5 पे स्टार्ट करेंगे और काउंट करेंगे उसके बाद 1, 2, 3. हम उल्टा चले इसमें मींस लेफ्ट साइड की तरफ 1, 2, 3. न्यूमरेटर क्या है इसमें 3, तो हमने 3 उस पे मार्क कर लिया. हमारा आंसर क्या बना, हम कहां तक पहुंचे 1/5 तक, तो हमारा आंसर क्या आया 1/5. अब हम इसको एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे 4/5 - 3/5 आंसर इज 1/5. क्वेश्चन नंबर बी 7/9 - 5/9. अब इसमें भी इसी तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड 0 से लेके हम 1 तक मार्क करेंगे. 1 means 9/9, हमारा डिनोमिनेटर 9 है तो न्यूमरेटर भी 9 होगा, तो हमारा क्या बनेगा 1. अब हम इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करके मार्किंग करेंगे 1/9, 2/9, 3/9, इस तरीके से हम कहां तक ले गए उसको 9/9 तक. अब हमारा ग्रेटर नंबर है 7/9, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 7/9 पे हम लाइन के ऊपर की तरफ मार्क करेंगे. उसके बाद हम आएंगे नीचे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको हम इसको राइट से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे. हमारा ग्रेटर नंबर है 7/9, तो हम 7/9 से स्टार्ट करते हुए कहाँ पर आएंगे उसको काउंट करेंगे 5/9 में. हमें 5 काउंट करने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 हमारा कहाँ पे आया 2/9 पर आया, तो हम इसको मार्क करना स्टार्ट करेंगे 7/9 से लेके और 2/9 तक. ओके
अब हम इसको एज अ फ्रैक्शन सबट्रैक्ट करेंगे. 7/9 - 5/9 आंसर इज 2/9. आप इसमें नंबर लाइन में देखिए हम कहां तक आए थे, 2/9 तक. मींस हमारा जो आंसर है वो राइट है. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 1 - 2/8. 1 मींस क्या बताया था मैंने आपको, 1 मींस होल नंबर. हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 8 है. मींस हमारा होल नंबर क्या बनेगा, 8/8. ओके, अब हम इसी तरीके से इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड 0 से लेके 8/8 मींस 1 तक हम इसको मार्क कर लेंगे इक्वल पार्ट में. अब हमें क्या फर्स्ट मार्क करना है, लाइन के ऊपर हमें लेना है 8/8. तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 8/8 तक हम जाएंगे. फिर हमें मार्क करना है 2/8 सबट्रैक्ट करना है. हम नीचे आएंगे 8/8 से हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे और काउंट करेंगे 1, 2 means हमने कहां तक मार्क किया, 6/8 तक. अब हम इसमें as a fraction इसको subtract करेंगे. 1 - 2/8 means 8 - 8 - 2/8 answer is 6/8. Okay students, I hope you understood exercise number 6.7. Okay, thank you.